The Ideal Concept. कैसे हैं आप लोग? अभी कोरोना वायरस के चलते पूरा विश्व स्थिर हो चुका है, लेकिन आइडियल कोचिंग सेंटर किशनपुर आप लोगों के लिए स्थिर नहीं है, हमेशा प्रगतिशील रहा है और बच्चों को उज्ज्वल भविष्य देने की कोशिश के अंतर्गत एक कदम। तो शुरुआत करते हैं, जैसा कि मैंने कल बताया था कि संसाधन के सारे प्रकार आपको बताया जा चुका है, लेकिन मैंने बताया था कि कुछ और भी प्रकार हैं और उसको और गहराई से जानना है, जिसमें के अंतर्गत मैंने बताया था कि स्वामित्व के आधार पर जो भी संसाधन है उसको मैं और गहराई से बताऊंगा और उसको समझाऊंगा। तो मैं उसी को लेकर के आया हूँ आज, संसाधन का वह वर्गीकरण का वह भाग जो स्वामित्व के आधार पर बांटा गया है। तो हम क्या देखते हैं कि स्वामित्व यानी अधिकार, तो अधिकार के आधार पर सभी संसाधन को चार वर्गों में बांटा गया, जैसा कि यहाँ मैंने लिख चुका हूँ कि एक होता है निजी संसाधन, या उसी को आप व्यक्तिगत संसाधन कह सकते हैं। यह क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। जैसे भारत है, भारत में 60% से अधिक लोग कृषि पर ही निर्भर हैं। तो हम क्या देखते हैं कि सरकार के द्वारा किसानों को भूमि आवंटित किया गया है, उस पर किसका अधिकार है? किसानों का अधिकार है। कुछ खास लोगों का अधिकार होता है, उनका ही अधिकार होता है जिनका वह भूभाग होता है, जैसे खेत हो गया। हम यहाँ लिखते हैं जैसे खेत, तालाब, कुआं, ये सब निजी या व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि इस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है। वह उसमें चाहे, जैसे मान लो कि अगर मैंने एक बड़ा सा भूभाग है जिस पर मैंने तालाब खुदवाया, उसमें मैं अपना मछली डाल सकता हूँ, मैं ला करके कहीं से वो मछली का जो बीज होता है वो ला करके डाल सकता हूँ, या मैं किसी को भाड़े पर दे सकता हूँ। तो उससे जो भी आय होगा उस पर केवल मेरा अधिकार होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन। अब यह सामुदायिक संसाधन क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। कुछ संसाधन केवल मेरा अपना या पर्सनल ना होकर के पूरे समाज के लिए होता है। जैसे छोटा सा उदाहरण, एक ही उदाहरण में आप समझ जाएंगे सामुदायिक संसाधन। जैसे अगर हम बात करें शमशान की, शमशान की अगर हम बात करते हैं तो यह क्या है? केवल एक व्यक्ति का अधिकार होता है? नहीं, इस पर पूरे समुदाय के लोगों का अधिकार होता है। इसके बाद पशुचारण भूमि, पशुचारण भूमि जहां पर हम पशुओं को चराने के लिए, मवेशी को जो है चराने के लिए ले जाते, हुआ क्या होता है? वह सामुदायिक संसाधन में आता है, ना कि निजी संसाधन में, हुआ समाज के लिए। एक और उदाहरण देते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं खेलने के लिए, तो वह प्लेग्राउंड जो होता है वह खेल का जो मैदान होता है, खेल का मैदान, यह किस में आता है? यह सामुदायिक संसाधन में आता है, सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत, या निजी नहीं होता। उसमें मैं भी जा सकता हूँ खेलने के लिए, आप भी जा सकते हैं, गांव के या जो भी उस जगह के आसपास के क्षेत्र के जो भी बच्चे वो सब वहां पर जा सकते हैं खेलने के लिए। तो वैसे संसाधन को हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। तीसरा संसाधन राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन, यहां मैंने देखा कि एक तरफ जिस पर मेरा अपना अधिकार है, एक तरफ जहां पर पूरे समाज का अधिकार है, उसी
उसके बाद जो संसाधन का प्रकार आता है स्वामित्व के आधार पर हुआ है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन का मतलब पूरे राष्ट्र का अधिकार जिस पर हो, जैसे मान लेते हैं, जैसे जैसे रेलवे, यह क्या है, इस यह राष्ट्रीय संसाधन, इस पर पूरे राष्ट्र का अधिकार है। दूसरा हम उदाहरण स्वरूप दूसरे चीजों की चर्चा करते हैं, सड़क, सड़क या राष्ट्रीय संसाधन, तो हम क्या देखते हैं कि जिस पर पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है, या फिर हम खनिज संपदा अगर कह दें, यह क्या है, यह पूरे राष्ट्र के लिए है, ना कि केवल मेरे लिए, ना केवल एक समुदाय के लिए, अपितु यह पूरे राष्ट्र के लिए होता है। इसके बाद हम इस चीज को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को और गहराई से जानते हैं, और गहराई से क्या देखते हैं कि हमारा जो यह देश है भारत, हमारा यह देश भारत है विश्व में सातवां स्थान रखने वाला एक विशाल देश है, तो राष्ट्रीय संसाधन को हम यहां भी समझते हैं क्या है कि यह तो स्थलीय भाग है, इसके बाद जो ब्लू कलर से यहां पर दिखलाया गया है वह जलीय भाग है। तो राष्ट्रीय संसाधन आखिर क्या, केवल यह जो भारत का, भारत के पास चूंकि दो प्रकार का मैप होता है, दो प्रकार का मैप में एक होता है राजनीतिक और एक होता है प्राकृतिक, राजनीतिक नक्शा क्या होता है, प्राकृतिक नक्शा क्या होता है, प्राकृतिक देखिए अब एक स्थान पर जहां पर स्थल भाग है वही दूसरी ओर क्या है, भारत के तीन ओर से समुद्र घिरे हुए हैं, तो क्या रेलवे लाइनें कहां है, सड़कें कहां है, खनिज संपदा कहां है, तो रेलवे तो हम स्थल भाग पर रेलवे का निर्माण किया, सड़कें कहां बनाया मैंने स्थलीय भाग पर बनाया, खनिज कहां मिलता है, तो क्या केवल झारखंड में ही खनिज मिलते हैं, झारखंड का जो पठारी भाग है, छत्तीसगढ़ का जो पठारी भाग है, पश्चिम बंगाल का जो पठारी भाग है, महाराष्ट्र का, क्या इसी जगह पर मिलते हैं, नहीं। आपने क्या देखा होगा कि समुद्र के तलहटी में यहाँ जो खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी में इस स्थान पर भी तेल मिले, या तो जल वाला भाग है क्या, या भारत पर भारत का ही अधिकार कैसे हो गया, इसको समझते हैं कि यह आखिर यह क्षेत्र जो है खंभात की खाड़ी, यह इस पर भारत का अधिकार कैसे, खनिज केवल स्थल पर ही नहीं पाए जाते हैं, वह समुद्र जलीय भाग में भी पाया जाता है। तो हम क्या देखते हैं, जैसे यह भारत का हिस्सा है, यह भारत का हिस्सा है और इधर हमने श्रीलंका बना दिया है, यह श्रीलंका है और यह भारत है, भारत और श्रीलंका के बीच में यह जल वाला हिस्सा है, तो जल वाला जो यह हिस्सा है इसमें जो स्थल से, स्थल भाग से कुछ किलोमीटर तक, कुछ किलोमीटर यानी 22.5 किलोमीटर, आपने पढ़ा होगा 19.2 एनसीईआरटी इसको महत्व देती है, ना कि 19.2 किलोमीटर का, लेकिन जब भी बीटीसी की अगर आप किताब पढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा उसमें 19.2 किलोमीटर ही लिखा हुआ है, और बिहार बोर्ड के बच्चे इसी को टिक लगाएंगे, अगर पूछा जाता है कि समुद्री क्षेत्रफल कितने किलोमीटर तक भारत के अंतर्गत आता है या अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत आता है, तो वह होगा 19.2, क्योंकि एनसीईआरटी इसकी मान्यता देती है, लेकिन बीटीसी इसकी मान्यता देती है, आप लोग बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप लोग ये लगाइएगा, ना कि ये। तो यहां से जो 22.5 किलोमीटर जो यह क्षेत्र है, 22.5 किलोमीटर का जो यह क्षेत्र है, यानी यहां से यहां तक की दूरी 400 योजन है,
तो इसमें जो 22 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, यानी मान लेते हैं यहाँ तक का जो क्षेत्र है, इस पर किसका अधिकार होगा? इस पर 22 किलोमीटर या चारों तरफ से नचा करके यहाँ कक्ष की खाड़ी से ऐसे चलेंगे और 22 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है उस पर किसका अधिकार होगा? उस पर भारत का अधिकार होगा। ठीक वैसे ही जो श्रीलंका है, इसके यहाँ से 22 किलोमीटर का क्षेत्र किसका होगा? या श्रीलंका का इस पर अधिकार होगा। तो ये राष्ट्रीय संसाधन, अब इस जगह पर जो भी खनिज संपदा है उस पर किसका अधिकार होगा? उस पर भारत का अधिकार होगा। इसके बाद हम चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? तो मैंने कहा कि 22 किलोमीटर हमारा जो राजनीतिक नक्शा है उसके अंतर्गत 22 किलोमीटर क्षेत्र भारत को दिया गया, ठीक वैसे ही 22 किलोमीटर क्षेत्र श्रीलंका को दिया गया, यहाँ पाकिस्तान है तो इधर पाकिस्तान को भी 22 किलोमीटर का क्षेत्र किसको दिया गया होगा? पाकिस्तान को दिया गया होगा। यहाँ पर म्यांमार है तो इसे भी 22 किलोमीटर का क्षेत्र मिला, लेकिन बाद बाकी जो 22 किलोमीटर के बाद जो क्षेत्र बच जाता है, जैसे कि ये जो क्षेत्र बीच का जो यह क्षेत्र बच गया, इस पर किसका अधिकार होता है? तो इस पर जो अधिकार होगा वह तो ना तो भारत का होगा ना श्रीलंका का होगा। क्यों? क्योंकि भारत की सीमा, जो राजनीतिक सीमा का जो बंटवारा है वह कहां समाप्त हो जाता है? तो भारत की सीमा से 22 किलोमीटर अंदर ये समाप्त हो गया। श्रीलंका की यहाँ 22 किलोमीटर के बाद समाप्त हो गया। बीच का जो बचा, यहाँ तो झगड़ा हो सकता है, तब जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठक हुई और उस बैठक में क्या किया गया कि यह जो क्षेत्र है इसमें से एक और नया चीज उभर के सामने आया, जिसको कहा गया, एक मिनट, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, इसको कहा गया अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। यह क्या होता है? यह यहां से, यह तो 22 किलोमीटर का इसका हिस्सा है, 22 किलोमीटर इसका है, यहां से 200 किलोमीटर स्थलीय भाग से, ना कि यह जो 22 किलोमीटर हिस्सा दिया गया उससे नहीं, यह स्थलीय भाग से, स्थलीय भाग यानी यहां से 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है, और यहां से जो 200 किलोमीटर का क्षेत्र होता है, 200 किलोमीटर भारत के स्थलीय भाग से 200 किलोमीटर समुद्री क्षेत्र, और श्रीलंका से 200 किलोमीटर समुद्री क्षेत्र, इसको कहा गया है अब वर्जक आर्थिक क्षेत्र, यानी इस पर भी इसी देश का अधिकार होगा, और इस पर भी इधर से आएंगे तो 200 किलोमीटर तक इसी देश का अधिकार, बाद बाकी जो बीच का जो क्षेत्र बच गया वह, यह जो बीच का जो क्षेत्र बचा यानी 200 किलोमीटर के बाद, किसी भी देश के 200 किलोमीटर के बाद जो समुद्री भाग होता उस पर पूरे विश्व का अधिकार होता। तो हम ऐसे संसाधन को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उम्मीद है यह चीज समझे होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कुछ चीजें हैं जो मैं कल के क्लास में बताऊंगा, तो आज उसी चीज पर केवल चर्चा होगी। यह तो हो गया स्वामित्व के आधार पर, अब हम चलते हैं विकास के आधार। जो भी मैं बोलता हूँ, जो भी मैं लिखता हूँ, आप लोग उसे नोट करते जाइएगा, आपके लिए अति सुंदर होगा। कभी भी नोट किया हुआ चीज क्या होता है कि जब भी हमें कठिनाई होता है तो हम उस चीज को वहां से देख करके और पुनः पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। तो विकास के
आधार पर, विकास के आधार पर मैंने कल कुछ बातों को रखा था, अभी मैं उसी को और डिटेल्स में बताने की कोशिश करता हूँ। पहला है संभावी संसाधन, इसे संभाव्य संसाधन के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि मैंने कल बताया था। तो संभावी संसाधन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। संभावी संसाधन, कुछ संसाधन तो होते हैं लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते, प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है कि हमारे पास तकनीक जो है सो उस तरह का विकसित नहीं हुआ। जैसे मान लेते हैं जल का हम उदाहरण लेते हैं, जल क्या होता है, दो गैसों से बना होता है, एक गैस ऑक्सीजन और दूसरा है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है, हाइड्रोजन ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है, लेकिन हमें हमारे पास उस तरह का तकनीक नहीं है जिसके कारण हम इससे ऊर्जा नहीं निकाल सकते, लेकिन हम इस चीज को सुरक्षित रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जब भी भविष्य में हमें इसे निकालने का तकनीक जैसे ही पता चलेगा, हम इससे ऊर्जा बहुत ज्यादा ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। यह हो गया संभावित संसाधन। इसके बाद हम चलते हैं अगले पॉइंट, विकास के स्तर का जो अगला पॉइंट है उसे कहा जाता है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन, विकसित संसाधन के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि कुछ चीजें हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, उसे हम विकसित संसाधन के या जिसको बनाने के लिए हमें क्या होता है कि जिसको बनाने के लिए हमारे पास तकनीक की जरूरत, जो तकनीक है वह हमारे पास मौजूद है, तो हम वैसे संसाधन को विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे अभी कोयला, पेट्रोलियम है, हमें उसकी जरूरतों को पता चल गया, हमें उसके कैसे किस तरह से हम उसका प्रयोग करेंगे उस तकनीक को हम अपना चुके हैं। जैसे पेट्रोलियम है तो यह जो है पेट्रोलियम, इसको डायरेक्ट आप उपयोग में नहीं ला सकते क्योंकि यह कई सारी चीजों का मिश्रण होता है। जैसे उसमें किरोसिन होता है, डीजल होता है, चारकोल होता है, पेट्रोलियम होता है, तो ये सब चीजों को अलग अलग करना पड़ता है इसके। तो इस तरह से हम इसका तकनीक हमें पता है तो हम वैसे संसाधन को कहते हैं विकसित संसाधन। तीसरा चलेंगे, तीसरा क्या है, भंडारण या भंडार संसाधन। भंडार संसाधन किसे कहते हैं, तो भंडार संसाधन जो होता है क्या होता है कि पर्यावरण में जो है सो अनेक चीजें उपलब्ध है, अनेक चीजें उपलब्ध है जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, लेकिन हमें यह एक तरह से अगर देखा जाए तो संभावी जो संसाधन है उसी के अंतर्गत इसे रखा जाता है। हम उस चीज को क्या करते हैं कि सुरक्षित रखते हैं जो भविष्य में काम आएगा, तो हम उसको भंडारण करके रख लेते हैं। तो वैसे संसाधन को हम कहते हैं भंडार संसाधन। और दूसरा है उसे कहा जाता संचित कोष संसाधन, संचित कोष संसाधन। संचित कोष संसाधन यह भी भंडार संसाधन का एक हिस्सा है, लेकिन यह दोनों में अंतर क्या, अंतर यह है कि हम इसके बारे में तकनीक नहीं जानते हैं और इसके बारे में हम तकनीक जानते हैं। क्या जानते हैं कि जैसे जल विद्युत, हम जानते हैं कि जल से
विद्युत बनाया जाता है, लेकिन उतना ज्यादा विद्युत हम उससे नहीं बना पाते हैं। क्यों नहीं बना पाते हैं? क्योंकि जो हमारी जरूरत है उसी जरूरत के हिसाब से हम उसका उपयोग करते हैं। जब हम इसकी और ज्यादा जरूरत पड़ेगा तो हम क्या करेंगे कि नदियों में बांध बनाएंगे, जल को रोकेंगे और पुनः उससे विद्युत बना लेंगे। यानी इसके बारे में तकनीक पता होती है, इसके बारे में तकनीक का पता नहीं है, लेकिन इसके बारे में तकनीक पता होती है। लेकिन तकनीक पता होते हुए भी हम उसका उपयोग नहीं करते, भविष्य में करने की कल्पना करते, जब इसकी जरूरत होगी तब। तो उम्मीद है कि आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा, और बार बार रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी हम नए नए वीडियो को अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जहां भी दिक्कतें होंगी आप हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम उस दिक्कत को दूर करने की पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा। धन्यवाद।